जय बेनमुन के साथ ये जो बेनमुन का न्यूज शो है वो लॉन्च हो रहा है, और आज हम सब सीएमपी सर के साथ, रिया मैम जो सीईओ मैम है उसके साथ हम सब जुड़े हैं, और ये पूरा का पूरा शो जो है वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे हमारी बेनमुन आयुर्वेदा चैनल पे लाइव जा रहा है। इसी लॉन्चिंग के साथ ये जो बेनमुन का कंसेप्ट है, बेनमुन न्यूज का जो कंसेप्ट है वो क्या है उसके बारे में थोड़ी मैं बात करूंगा, फिर हम सर से और मैम से भी अगले सेशन में जानेंगे। ये जो शो है वो बेनमुन का मुखपत्र है, यानी कि बेनमुन जो अपने एसोसिएट मेंबर से जुड़ता है, उसके साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहा है, उसके लिए ये शो रखा गया है। और सब इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे प्रोडक्ट के रिलेटेड है, एडमिन है, अकाउंट है, सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ लोगों को पहुंचाएंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफरिंग के साथ हम चलने का ट्राई करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे बेनमुन ऑफिस का पूरा स्टाफ जो है वो मौजूद है, जो सब अलग अलग विभागों को हेड करते हैं, उससे हम अभी इंटरेक्शन करेंगे, अभी बातचीत करेंगे। देखिए ये कंपनी जो है वो आपके साथ जो है आपके सामने पूरी खड़ी है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे बैठे और कंपनी कहीं पे बैठी है, कंपनी आपके सामने पूरी की पूरी खड़ी है और हमसे बात करने की ट्राई करते हैं। पहले हम विनय भाई से बात करेंगे। विनय जी, ये जो शो लॉन्च हुआ है हमारे यहाँ पे बेनमुन में, अब क्या कहेंगे? इट्स अ वेरी गुड बिगनिंग, और ये जो प्रोग्राम है उसके थ्रू हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इवन जो कस्टमर्स हैं, उनको बहुत ही अच्छा नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट्स मिलेगा, और उनके हेल्थ रिलेटेड भी उनको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी, और ये अच्छी तरह से ये प्रोडक्ट्स का यूज़ कर पाएंगे। जी बिल्कुल, तो प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करना है, प्रोडक्ट को कैसे आपको प्रेजेंट करना है, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। हम आगे चलेंगे, हमारे और भी स्टाफ मेंबर्स हमारे साथ हैं, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भूमिका चौहान है, मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, और जैसे कि अभी तक आप सारी प्रोडक्ट के बारे में, आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में सभी को नॉलेज होता है, लेकिन बढ़ते हुए ज़माने के साथ सबको ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो बेनमुन न्यूज़ के माध्यम से अपने सीएमडी सर ने और सीईओ मैम ने हमें बहुत अच्छा माध्यम दिया है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, तो एक बेनमुन न्यूज़ बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए। जी बिल्कुल, और ये अकाउंट डिपार्टमेंट है, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट सबके लिए रहता है। भूमिका जी, आप अकाउंट डिपार्टमेंट में से आप क्या हेल्प करेंगी हमारे जो एसोसिएट्स मेंबर है, हमारे जो कस्टमर है? जैसे कि अभी हमारे प्लान में पे आउट रिलेटेड क्वेरीज होती है, वो सब मैं हैंडल करती हूँ, तो उनकी जो क्वेरीज होती है उनका अब तक मैंने मैसेज पे, कॉल पे, अपने सॉफ्टवेयर थ्रू आंसर किया है, लेकिन अभी ऐसा टाइम आया है कि ये बेनमुन न्यूज़ के माध्यम से मैं उनकी क्वेरीज को लाइव भी आंसर करूँगी, मतलब उनके लिए एक ऐसा टाइम है जो उन्होंने, मतलब एक अनबिलीवेबल, बहुत अच्छा स्कोप है उनके लिए, अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए बेनमुन न्यूज़ के माध्यम। जी बिल्कुल, तो भूमिका जी ने हमें अभी से ही प्रॉमिस दिया है कि वो लाइव आएंगे इसी शो पे, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बारे में जो भी आपकी क्वेरी से उसको बताएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ सीमा जी जुड़ी है। सीमा जी, आपका परिचय तो मैंने दे दिया है, आप कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करती है और आप क्या यहाँ पे हमारे एसोसिएट मेंबर को बताएंगी? नमस्ते, मैं एडमिन डिपार्टमेंट से हूँ। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीएमडी सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने डायरेक्टली एसोसिएट और हमको आमने सामने रख दिया है, तो उनको कोई भी क्वेरी होगी तो वो हमारे सामने डायरेक्टली लाइव सॉल्व हो सकती है। उनको सॉफ्टवेयर में अगर कोई क्वेरी आ रही है, कोई एरर आ रही है, उनकी प्रोडक्ट्स कहाँ तक पहुँची है, क्या है, वो एवरी डिटेल हम उनको बताते रहें। जी बिल्कुल, तो एडमिन जो है वो पूरी ऑफिस का एक बैकबोन होता है, वो सबको हैंडल करता है। मेरे सामने एक बहुत ही अच्छा नौजवान खड़ा है, मैं उसको थोड़ा इधर आ जाइए। फैजल भाई, आपका नाम बताइए, आप कौन सा डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं? मेरा नाम फैजान थिंगाजी वाला है और मैं एडमिन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। आप क्या क्वेरीज हैंडल करते हैं, यानी जनरलाइज कैसी क्वेरीज आती है और आप कैसे उसको हमारे जो एसोसिएट से उसके पास पहुंचा सकते हैं? हमारे पास नेम चेंज के लिए भी क्वेरी आती है कि एसोसिएट बोलते हैं कि नहीं हमें नेम चेंज करना है, बट फिर भी हम बोलते हैं कि नहीं सर आपको क्यों नेम चेंज करना है। हम उनसे कॉल करते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन करते हैं कि सर आपको क्यों नेम चेंज करना है, हम फिर उनसे मैसेज भी मंगवाते हैं, काफ़ी सारी क्वेरीज उनकी आती हैं नेम चेंज के लिए। जी बिल्कुल, तो ये जो डिपार्टमेंट है बहुत ही उसमें एकदम बारीकाई से काम करना पड़ता है। हम आगे बढ़ेंगे, सर आप आ जाइए इधर, आपका परिचय दीजिए। हमारे जो एसोसिएट मेंबर जो हजारों लाखों की संख्या में देख रहे हैं हमें लाइव,
और आप क्या कौन सा डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं? ओके सर, नमस्कार। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बैनमून के इस लाइव न्यूज़ चैनल में। और मैं एडमिन से हूँ, मेरा नाम नीलेश शाह है। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग, और आशा करता हूँ कि आप लोग ये न्यूज़ चैनल देखें ताकि प्रोडक्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में, प्रोडक्ट के फ़ायदों के बारे में आप सब जान सके, उसका फ़ायदा उठा सके। इसी के लिए हमने ये न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया है कि जिससे आपको अपनी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो, और अवेयरनेस से आप इस प्रोडक्ट का उपयोग करके किस तरह से स्वस्थ रह सकते हो और दूसरों को भी फ़ायदा इससे मिल सकता है। और आपके कोई, आपको अगर आप अगर यूज़ कर रहे हो तो उसका फ़ायदा भी आपको पता होना चाहिए। जब तक आप फ़ायदा नहीं जानोगे तब तक आप उसका 100% यूज़ नहीं कर सकते हो। तो हम उनको अभी ये लाइव न्यूज़ चैनल के द्वारा माध्यम से प्रोडक्ट के बारे में, फिर उसके फ़ायदों के बारे में, उपयोग के बारे में सब कुछ उनको डिटेल में समझाएंगे, और फिर वो किस तरह से उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सके और उनका उपयोग करके कैसे स्वस्थ रह सके, यही हमारी एक प्रयत्न है हमारा ये। जी बिल्कुल, तो सर ने ये बताया कि आपका फ़ायदा किस में है वो हम यहाँ से बताएंगे। सबको अपने फ़ायदे में ही इंटरेस्ट होता है, और बैनमून का तो एक मिशन भी है कि हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया, मतलब स्वस्थ भी रहो और पैसा भी कमाओ, दोनों हम एक साथ यहाँ पे करते हैं। शुक्रिया आपका, आप आइए। आप कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं और आपका क्या काम रहता है? हम आज इसलिए सबको ये पूछ रहे हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं, क्या काम रहता है, क्योंकि आप खुद उनको जान सके। क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी फील्ड पे जो कंपनी की एक्टिविटी होती है, लेकिन उसको कौन कर रहा है वो भी एक मायने रखता है। तो बताइए, आपका परिचय दीजिए। मैं सुनील श्रीमाली हूँ, मैं डिज़ाइन यूनिट हैंडल करता हूँ, और जो भी ये ब्रांडिंग हो रहा है, ब्रांडिंग, डिज़ाइनिंग और एक्स्ट्रा जो भी प्रिंटिंग रिलेटेड जो भी है वो सब मैं हैंडल करता हूँ। और इसमें जो भी है हम ऐसा प्रयत्न करते हैं, हमारी सीईओ मैम, सीएमडी सर की गाइडेंस है, जो भी हमें बताया जाता है कि किस प्रोडक्ट को किस तरह से हाईलाइट करना है, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, बारीकी से हर एक तबके के बहुत माइक्रो प्लानिंग से हम काम करके एक एक प्रोडक्ट हम हमारे एसोसिएट के लिए ला रहे हैं। उसका पूरे पूरा हम प्रयत्न करते हैं कि हम हमारी जो डिज़ाइनिंग है उसमें आपको बता सके कि ये प्रोडक्ट इस इलाज में बहुत उम्दा तरीके से आपको काम आएगी। जी बिल्कुल, तो जितने भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं उसका जो डिज़ाइनिंग होता है, और कंटिन्यूसली हमारे बैनर्स, पोस्टर्स, बहुत सारी चीज़ें जो डिज़ाइन होती हैं उसको सुनील भाई हैंडल करते हैं। सुनील भाई थैंक यू। अब हम आगे बढ़ेंगे, और भी हमारे साथ हमारे जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो जुड़े हुए हैं। आपका परिचय दीजिए और आप कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं? मेरा नाम ट्विंकल सचदेव है, मैं बैनमून के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हूँ। फिर भी एक और इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट आया, अकाउंट डिपार्टमेंट। ट्विंकल, आप कैसे पूरी जो क्वेरीज है या जितना भी हमारा अकाउंट है उसको हैंडल करती है, उसमें एसोसिएट्स को क्या फ़ायदा होता है? जैसे हमारे सारे एसोसिएट्स, अभी हमारा पूरा ऑनलाइन सिस्टम हो गया, ऑनलाइन हमारा लेजर होता है, ऑनलाइन लोगों की, कस्टमर्स की पेमेंट रिक्वेस्ट आती है, ऑर्डर रिक्वेस्ट आती है, तो उनके रिलेटेड सारी क्वेरीज मैं ही सॉल्व करती हूँ। अभी तक कस्टमर को अवेयरनेस नहीं है कि वो कैसे ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी क्वेरीज है ना वो मैं कॉल पे या व्हाट्सएप पे उनको अवेयर करती हूँ कि अभी आप सब कुछ ऑनलाइन कीजिए। जी बिल्कुल, तो ये डिजिटल इंडिया का जमाना है, सारी चीज़ें डिजिटल हो रही है। बैनमून तो उसमें एक कदम आगे है, क्योंकि बहुत टाइम से हमारे पास पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, हमारा जो प्लान सिस्टम है उसको भी ऑनलाइन किया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑनलाइन सिस्टम का यूज़ करें, आपका समय और शक्ति दोनों का बचाव होगा। तो उसके बारे में ही ट्विंकल हमें आगे भी हमारे शो में आके बताएगी, और पूरा जो उसका कैसे यूज़ करना है और आपकी जो छोटी छोटी क्वेरी उसको एड्रेस करेगी। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ है विशाल भाई, इनको कौन नहीं जानते हैं, सब लोग विशाल भाई को जानते हैं, वो पूरा जो एडमिन है उसको हैंडल कर रहे हैं। विशाल भाई से भी कुछ सुनेंगे। विशाल भाई क्या कहेंगे, आज जो लॉन्च हो रहा है हमारा न्यूज़ चैनल, आप हमारे एसोसिएट से उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हमारे सीएमडी सर को कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही बड़ा एक कदम लिया है लोगों तक पहुँचने का, उनसे डायरेक्ट संपर्क करने का। आज तक जो भी है वक्ता, सॉरी एक्टर्स, नेता, सब लोगों ने, उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई है, पर कभी लोगों को ये मौका नहीं दिया कि वो भी डायरेक्ट अपनी बात कंपनी तक पहुंचा सके। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहां हम अपने लोगों से रूबरू हो सकेंगे। और जो बात रहे काम की, तो यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हेड्स का काम है,
आप ऐसा कह सकते हैं आप अभी जिन लोगों से बात हुई यानी कि पूरा एडमिन स्टाफ ऑफिस स्टाफ वो और मार्केट के लोग उन दोनों के बीच की जुड़ी हुई कड़ी कह सकते हैं आप मुझे उस तरीके से दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स या इश्यू कुछ भी सॉल्व करने का और लोग इस तरह इससे बेहतर और क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि हम बेन मून हमेशा कहते हैं कि हम लोगों के से ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रहे हैं और ये ट्रांसपेरेंसी का सबसे उम्दा एग्जाम्पल है कि आप जो है वही सामने दिखता है और वही सामने आपको मिलेगा जी बिल्कुल तो ये चीज़ बहुत बड़ी मायने रखती है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की बात तो करते हैं लेकिन उसकी ग्राउंड पे इफेक्ट होनी चाहिए सब लोगों को दिखना चाहिए तो हम ये शो के जरिए पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है उसको लोगों के साथ पहुँचेंगे हमारे साथ दिग्विजय जी है जो शॉपी जो हमारी होती है उसके वाइस प्रेसिडेंट है दिग्विजय जी आप क्या कहेंगे आज पहले तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ कि आज बेन मून ने हेल्दी इंडिया मिशन ऑर्गेनिक इंडिया मिशन और आज ये लॉन्चिंग जो हो रहा है बेन मून न्यूज़ उसके माध्यम से पूरा वर्ल्ड जो जुड़ जाता है क्योंकि लाइव जो है और सोशल मीडिया के द्वारा जो हम करना चाहते हैं जो नया और ये एक नया बिजनेस है और नए ज़माने का नया बिजनेस को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों के घर तक पहुंच सकते हैं और ख़ास करके आज मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं हमारे CMD साहब को कि उनको जहां पर सोच हमारी ख़त्म होती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है और हमारे CEO मैडम जो है उनका अथाह प्रयत्न जो है और लोगों के दिल में पहुंचने का और डायरेक्ट रूबरू होने का एक मौका एक बेन मून न्यूज़ आपको देगा और एसोसिएट और कंपनी डायरेक्ट ट्रांसपेरेंसी से काम कर सकेगी और लोग जो है एक इंडस्ट्रीज को जिस तरह सोच रहे हैं वो इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी है जिसको आप देख सकेंगे और फ्यूचर में ये इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी है कि लोग मतलब वो जो उनकी सोच है वो बदल जाएगी क्योंकि हमारे MD साहब का सपना है कि ये सोच जो है वो सोच बदल के बेन मून न्यूज़ के द्वारा हम डायरेक्ट रूबरू होना चाहते हैं इसे जी बिल्कुल और आप शॉपी हैंडल करते हैं जिनके पास अभी शॉपी हमने जिसने ली है या कोई लेना चाह रहे हैं उनको आप क्या एक छोटा सा मैसेज देंगे दोस्तों शॉपी जो है शॉपी के माध्यम से आज पूरा एसोसिएट जो है वो जुड़ा हुआ है और शॉपी के जो ओपनिंग मतलब कि एक मेगा शॉप हमारी है एक माइक्रो शॉप है तो उसके लिए जो प्रॉब्लम्स या जो फेस कर रहे हैं उसके लिए भी हम अलग अलग तरीके से ये लाइव में ये बेन मून न्यूज़ के माध्यम से आपको पूरी गाइडलाइन देंगे और अगर कुछ अगर दिक्कत आती है तो उसका हैंडलिंग यहाँ पर डायरेक्ट आपको मिलेगा पूरा स्टाफ हमारे उनके साथ है पूरा बेन मून परिवार उनके साथ है और शॉपी को एक मजबूत तरीके से हम आगे ले जाएं जी बिल्कुल तो शॉपी है उसको मजबूत तरीके से आगे ले जाएंगे हमारे साथ सुनील है जो आज सुबह से इस शो की तैयारी में हमारे साथ जुड़े थे सुनील आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन का बोलूँगा हमारे CMD सर काचा सर को कि ये न्यूज़ लॉन्च करके उन्होंने लोगों के सामने एक उम्मीद पैदा की है जो कि डायरेक्ट लोगों से बात नहीं कर सकते थे वो अभी एक साथ तरफ से जुड़ चुके हैं हमारे बेन मून के साथ तो मैं आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ सकेंगे मैं सुनील पंचाल असिस्टेंट ऑफ ऑफिस का असिस्टेंट हूँ मैं यस जी बिल्कुल तो हम सबको ये सुनील जो है वो असिस्टेंट कर रहे हैं और दोस्तों ये तो थी हमारे सब यहाँ पे जो कर्मवीर है जो काम कर रहे हैं ऑफिस में उसकी बात थोड़ा सा एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम मैडम और सर से भी बात करेंगे बहुत सारी बातें उनसे जाननी है बहुत सारा कुछ उनके पास कहने का भी है लेकिन जब तक सेटअप हो जाता है तब तक आप सब हमको आप एक कोलकाता की जो हमारी हाईलाइट्स है जो बेन मून महोत्सव हुआ था वो छोटा सी एक क्लिप दिखाएंगे और उसके बाद तुरंत ही हम हाजिर होंगे
प्रूव आवरसेल्फ टू एनी चैलेंजेस. हमने हर एक चैलेंजेस का सामना किया, हम यहां तक पहुंचे. और इसकी सबसे बड़ी वजह पता है आपको क्या है? यूनिटी. Ben Moon believes in unity, we believes in unity, because unity is our strength. दोस्तों, तो हमने पूरा लॉन्चिंग देखा, सारे स्टाफ मेंबर के साथ हमने इंटरेक्शन किया, और उससे भी इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है वो भी आ रहे हैं, उससे भी इंटरेस्टिंग जो पर्सनालिटीज वो हमारे सामने आ रहे हैं. हम अभी इंटरेक्शन करेंगे हमारी सीओ मैम रिया जेड मैम से और सीएमडी सर डॉक्टर दिनेश काचा जी से, जो आपको बताएंगे कि पूरा हमारा कंपनी का जो मैनिफेस्टो है वो क्या रहेगा. मैनिफेस्टो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो देती है और उसको पूरा करने की हर ट्राई करती है, वैसे ही कंपनी जो है वो हमारा पूरा ध्यान जो है वो आपके फायदे पे लगाती है. तो पहले हम इंटरेक्शन करेंगे रिया जेड मैम से. मैम, आप बताइए कि आज हमने ये Ben Moon न्यूज लॉन्च किया है, क्या उद्देश्य है? आपने और सर ने बहुत सारा डिस्कस किया है हमारे साथ और एक पूरा कंसेप्ट बनाया है हमने, तो आप क्या इसके बारे में सोचती है? सबसे पहले तो हमने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है Ben Moon न्यूज़ का, जो कि हम प्रोएक्टिव होने जा रहे हैं. और Ben Moon न्यूज़ अब एक ऐसा माध्यम है जो हमें लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेगा. एक ट्रांसपेरेंसी लेवल रहेगा इसमें. हम अपने एसोसिएट्स, हमारी मेगा शॉपीज, माइक्रो शॉपीज और जहाँ भी मीटिंग्स हमारी होती हैं उनके साथ अब हम डायरेक्ट संपर्क में आएंगे. और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये हर सैटरडे को लाइव होगा. और अभी तक कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है.
और हम बेनमून न्यूज़ के माध्यम से ये एक इनिशिएटिव बहुत बड़ा लेने जा रहे हैं और ये कंट्री में सबसे पहली बार हो रहा है। अब आज का ज़माना ऐसा है कि हर एक व्यक्ति के पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। और हमारी जो कंपनी जो कि जिस बिज़नेस में डील करती है और जो प्रोडक्ट्स में डील करती है, हमारे प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह के प्रोडक्ट काम करते हैं, तो अक्रॉस इंडिया में अब हज़ारों की तादाद से लोग हमारे पास जुड़ गए हैं। लेकिन आज जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जो कंपनी का एडमिन डिपार्टमेंट है, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और जो कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी लोग हैं, वो डायरेक्टली अब बेनमून न्यूज़ के माध्यम से हमारे एसोसिएट्स के संपर्क में आएंगे। टाइम टू टाइम उनको जानकारी देने में आएगी हमारे प्रोडक्ट्स और किस किस तरह से काम करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स की क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके कैरेक्टराइजेशन क्या हैं, और कौन कौन सी बीमारियों में हमारे प्रोडक्ट्स काम करते हैं और उसकी USP और बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब हम आपको हर सैटरडे कुछ ना कुछ हम नए नए एपिसोड्स लेके आएंगे, नया नया हम प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे, फिर हो सकता है उसमें आपको सिस्टम और मैनेजमेंट की जानकारी भी दी जाए, साथ साथ में आपको हमने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाए, कुछ अगर हमारे सिस्टम में कुछ नया इंटीग्रेशन हुआ है, जो कि अभी क्या हो रहा है कि मार्केट से हमको बहुत सारी क्वेरीज आती है, वो क्वेरीज कहाँ आती है, हमारे एडमिन डिपार्टमेंट में और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो हम इस बेनमून न्यूज़ के माध्यम से ये भी कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम अपनी एडमिन टीम को भी बिठा सकते हैं इस न्यूज़ पर, और हमारे अकाउंट्स टीम भी मौजूद रहेगी और हम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स हम करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं हम उसे फिल्टर करके कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं, जो समस्याएँ हर किसी की कुछ कॉमन रहती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि लोगों को इस माध्यम के ज़रिए हर एक वो बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो उस इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करें, उसका लाभ उठा सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ट्रांसपेरेंसी उनको मिल रही है, अब वो देख सकते हैं कि बेनमून मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रहा है, बेनमून मैनेजमेंट के कौन कौन लोग हैं, डिपार्टमेंट के हेड्स कौन हैं और डिपार्टमेंट का वर्किंग स्टाइल क्या है, और किस तरह से वो और क्या क्या काम आगे भी करने वाले हैं, और हो सकता है हम कुछ ऐसी जानकारियां भी दिए हैं जो लोगों को पहले से ही पता चले कि भाई अब आगे क्या होने वाला है, और अगर कुछ भी मार्केट रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो आप कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हो और कैसे पहले से आप अपनी टीम को कैसे हैंडल कर सकते हो, आप जवाब कैसे दे सकते हो। तो हर एक छोटे से छोटा मुद्दा हम हर शनिवार को डिस्कस करेंगे, जिसमें ना कि सिर्फ प्रोडक्ट और सिस्टम और मैनेजमेंट, बल्कि कहीं मोटिवेशनल टॉपिक्स होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमारे जो रिस्पेक्टेड CMD सर हैं, डॉक्टर दिनेश काछा सर, वो रूबरू होंगे, और बहुत लोग जैसे उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं या मुझसे मिलने की इच्छा रखते हैं, या हम डायरेक्ट कुछ मीटिंग्स में नहीं जा पाते, तो हम जो भी मीटिंग्स चल रही हैं हम उनको लाइव देख सकते हैं, वो हमें देख सकते हैं, रूबरू हम बातचीत कर सकते हैं। तो स्काई इज़ द लिमिट, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं और धीरे धीरे आई थिंक आपको और जानकारी मिलेगी। तो मैं तो यही कहूँगी हर किसी से कि आप हर सैटरडे विदाउट फेल 6 o'clock को लाइव देखिए और जितना हो सके उतना नॉलेज हासिल कीजिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो मैम का कहना था कि नॉलेज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जीवन के किसी भी आप क्षेत्र में चले जाए, अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास प्रकाश है, मतलब आप ज्ञान से पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो सर, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ये ज्ञान और एक जो जुड़ा हो कंपनी के साथ, वो दोनों एक दो पिलर पे पूरा हम ये काम कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे उसके बारे में, आपका विजन बताइए। जैसे आपने बताया कि ज्ञान बहुत ही जरूरी है, मैडम ने भी बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। मेरा ये हमारा ये इनिशिएटिव लेने का एक जो प्रोग्राम है, यानी कि उनका एक एम है, जो बात हम कर रहे थे पहले से ही, कि हमें बेनमून को एक ग्लोबली प्लेटफॉर्म में हमें ले जाना है। तो ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म में ले जाने के लिए जो हमारे साथ जो भी एसोसिएट लोग जुड़े हुए हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस जो उसका जो बिल्डअप जो होगा वो किस तरह से होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप्स के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती है कि हम वीकली मीटिंग भी करते हैं, 15 days भी मीटिंग भी करते हैं, LDP वगैरह भी हम करते हैं, लेकिन ये सब मीटिंगों में हमारे गांव वाले जो एसोसिएट रहते हैं,
यानी कि अभी जिसने शुरुआत किया है बैन मून के साथ जुड़ के अपनी जिंदगी का करियर उन्होंने शुरुआत की है, वो शायद वो मीटिंग में जा भी ना सके जी बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए वो वहाँ जाने आने का वो बहुत ही डिफिकल्टी भी उनको रहती है, चाहे बहुत सारे प्रॉब्लम पैसे की भी प्रॉब्लम हो या उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि चलो सपोज वो आना भी चाहता है लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि मीन्स कि ये लखनऊ में ये डेट पे ये मीटिंग है जी। वो इन्फॉर्मेशन भी उनको नहीं मिली सकी है, इसीलिए ये इनिशिएटिव हमने लिया है कि अब जाके पूरे भारतवर्ष में तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये एक प्रकार के हर वीकली एक हमारी एक मीटिंग हो गई है। yes, yes. एक वीकली हमारी मीटिंग हो गई है कि डेली हमारा अभी एक बैन मून का एक फिक्स हो गया है कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में हमारी बैन मून की मीटिंग होगी, यानी कि अभी गर्व से कोई भी हमारा एसोसिएट है वो बोल सकेगा सपोज के दूसरे एसोसिएट को उसको मिशंस के बारे में, हमारा जो हेल्दी इंडिया मिशन से, ऑर्गेनिक इंडिया मिशन से और वेल्दी इंडिया मिशन से, ये हमारे मिशंस के बारे में दूसरे लोगों को जो उनको अवेयरनेस करना है तो वहां वो आस पास वो मीटिंग नहीं होती है लेकिन वो उसके बाद वो गर्व से बोल सकेंगे कि यस जो आपको ये जानकारी आपको चाहिए तो एवरी सैटरडे हमारा बैन मून न्यूज चैनल है उसमें आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। एक प्रकार के हम ऐसा देख सकते हैं कि एवरी वीक हफ्ते में एक बार 1 घंटे की मीटिंग बैन मून की अभी पूरे विश्व में फाइनल हो गई है। मैं उनका ये इनिशिएटिव में देख रहा हूँ और ये धीरे धीरे बढ़ेगा जी, जैसे जैसे लोगों में हमारे एसोसिएट में जब जानकारी मिलेगी उसको नॉलेज अच्छा मिलेगा, प्रोडक्ट के बारे में हो, कंपनी के बारे में हो, कंपनी के मिशंस के बारे में है और खुद को कैसी तरह से आगे बढ़ना है, खुद की लाइफस्टाइल कैसे उनको चेंज करनी है, खुद को कैसी तरह से हेल्दी रहना है, खुद को कैसी तरह से ऑर्गेनिक मूवमेंट के साथ उसको जोड़ जाना है, खुद को कैसी तरह से उसको मीन्स की आमदनी मिले और खुद को वेल्दी कैसे बनना है, ये पूरी जो सिस्टम से हमारी ये हर सैटरडे को 6 से 7 के बीच में हम हर एक प्रोग्राम लेके आएंगे जी। बिल्कुल, सर ने अपना जो है वो पूरा विजन बताया है और एक छोटा आदमी हमारे जो मेंबर है उनकी चिंता जताई, क्योंकि अगर वो सर ने पहले ही बोला कि गांव में बैठा है अगर उसके पास वो भी सुविधा अभी नहीं है कि वो अपने जो सेंटर है वहां पे जाके मीटिंग कर सके, तो यहां से पूरा का पूरा जो नॉलेज है वो आपको मिलेगा और ये बिल्कुल तद्दन फ्री है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। आप देख सकते हैं फेसबुक पे, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं एक बात ये भी आपको बताऊं, अगर आप मिस कर गए कि 6 से 6:30 के बीच में शनिवार को हम नहीं बैठ पाए तो ये यूट्यूब और फेसबुक पे ऐसे ही अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो, अपने टाइम पे देखो। आप शाम को जब मार्केट में होते हैं शाम को 9 बजे 10 बजे खाना खा के आओ और आराम से हमारा इस एपिसोड देख के फिट हो, पूरा जो हफ्ता है उसका जो एनर्जी है वो आपको यहाँ से मिलेगा। मैं आपके पास आना चाहूँगा फिर से। हमारा जो विजन है हेल्दी इंडिया, ऑर्गेनिक इंडिया और वेल्दी इंडिया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जो हेल्दी इंडिया का हमारा मिशन है, हम बिकॉज जो प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं वो हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और हम किस तरह से मासेस तक पहुँचें यही हमारा एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, उनकी वैल्यू समझें वो, क्योंकि जिस तरह से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से हमने ये प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं और काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ये प्रोडक्ट्स हमने लोगों तक पहुँचाए हैं, तो हमारा जो मिशन है हेल्दी इंडिया का मिशन वो यहीं से शुरू होता है कि प्रोडक्ट्स जितना हो सके उतना लोग इसे प्रमोट करें, अवेयरनेस पैदा करें हर एक सेगमेंट में। अब तो हम आ गए हैं जनरल हेल्थ केयर सेगमेंट में, विमेन केयर सेगमेंट में, मेन केयर सेगमेंट और अब जाके हम ऑर्गेनिक सेगमेंट में भी आ गए हैं, तो हमारे प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साथ साथ में हमने इतने सारे वैल्यूएबल सर्टिफिकेट्स भी हासिल कर लिए हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ इकोसर्ट है, NPOP, NOP, ये सारे वैल्यूएबल सर्टिफिकेट्स हैं और जो कि एक कंपनी की और प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी बताते हैं। तो बस यही है कि आप भी जुड़े, दूसरों को भी अपने साथ आप ज्वाइन करें, साथ साथ में अवेयरनेस आप जितनी करोगे लोगों तक अवेयरनेस जितनी जाएगी उतना प्रोडक्ट वो लोग इस्तेमाल करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे उतने उनको हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। सो दैट इज व्हाट द मिशन इज अबाउट। डेफिनेटली, तो हमारा जो हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया, ऑर्गेनिक इंडिया मिशन है, सर मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहूँगा। जैसे ऑर्गेनिक इंडिया अब हो रहा है, ऑर्गेनिक की बातें चल रही है और ऑर्गेनिक बहुत ही मार्केट में आ रहा है और हमारी कंपनी भी उसमें
कहीं पीछे नहीं है, बहुत ही एकदम तरीके के साथ आ रही है। तो हमारा एक इको साइकिल है जो आपका एक विजन है, पूरे इंडिया में हम उसको फैलाना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। थैंक यू देवशी भाई, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे आज पूछ लिया है कि जो हम जो करने जा रहे हैं, जो हमारा जो विजन है कि जो आपने बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई इको साइकिल के बारे में कि आम लोगों को, बहुत सारे लोग हैं उनको बेनमून के मिशंस के बारे में मालूम है, लेकिन अधिकांश लोगों को बेनमून के मिशंस के बारे में मालूम नहीं है। ठीक है, बेनमून के साथ तो अपने एसोसिएट हो जाते हैं, और जो बेनमून का जो मुख्य उद्देश्य है हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया और ऑर्गेनिक इंडिया, वो मिशंस के साथ जुड़ के अपनी जिंदगी का आनंद भी ले रहे हैं और बहुत ही प्रगतिशील वो आगे बढ़ रहे हैं। रही बात जो हमारी इको साइकिल की, जो एक्चुअल बेनमून की थॉट क्या है, थीम क्या है, तो है इको साइकिल की। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी जमीन है अभी वो बंजर हो गई है, उसमें इतने सारे 30 से 40 साल से हमने विषाक्त फर्टिलाइजर्स, उसके साथ ये पेस्टिसाइड्स वगैरह हमने जो डाल दिया है उसमें हमारे जमीन में, आज हमारी जमीन कह जाए तो वैसे ही खत्म हो गई है। तो उसको अभी जाके हमें आने वाली पीढ़ी के लिए हमें क्या करें, अब यहां से हमें सोचने का एक मौका मिला है कि जो अभी हम यहां से हम सोचना शुरू करें कि हम आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे सके देंगे, कि हम ये सभी ये जहर वाले तत्व ही उनको देंगे, 15 साल में उसको कैंसर दे देंगे, 18 साल में उसको डायबिटीज दे देंगे, क्या इतनी भयंकर बीमारियां क्या हम हमारे आने वाली पीढ़ी को देंगे? तो जो सपोज कि हम यहां से अभी नहीं सुधरे, हमने यहां से मूवमेंट शुरू नहीं किया, तो हम हकीकत में हम भी दोषी रहेंगे, हम दोषी हो जाएंगे, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे ही नहीं रहे। इसलिए अभी एक सोचने का जरूरत है, और साथ साथ में एक बहुत ही अच्छा संकेत भी अभी जा रहा है ये समाज में, टाइम भी अच्छा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी ऑर्गेनिक मूवमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने लाल किले से भी, हाँ उसको लाल किला से भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी पूरे किसानों को उन्होंने आह्वान किया है कि आप कम से कम फर्टिलाइजर का उपयोग करो, कम से कम आप पेस्टिसाइड का उपयोग करो, और कोई बात नहीं, ठीक है इतने सालों से कर रहे हो तो अभी परसेंटेज थोड़ा सा कम करो, शुरुआत तो करो आप। तो उसे समाज में, हम जो फील्ड में जा रहे हैं ये ऑर्गेनिक मूवमेंट का लेके, तो समाज में बहुत सारा सुधार आ रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले हमारी जमीन है, जमीन वो समृद्ध होनी चाहिए, जमीन हमारी फलद्रूप होनी चाहिए, जो मृत पाय हो गई है वो फिर से सजीवन हो जानी चाहिए हमारी जमीन। तो इसलिए हमने जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हमने बनाए हुए हैं, और वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उनका पूरा विश्व भर में यूरोपियन जो काउंसिल रहता है, जैसी तरह से मैडम ने बताया कि हमारे पास इको सर्टिफाइड है, एनपीओपी सर्टिफिकेशन से, एनओपी सर्टिफिकेशन से, ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये सब सर्टिफिकेट्स ऑथेंटिक करके हम लेके आए हैं और वो फार्मर को हम बताते हैं। उसके बाद जो वहाँ से जो पैदाइश होगी, जहाँ से जो पाक उत्पन्न होगा, वो हमारी जो बेनमून की जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की, हमारा स्टोर कंपनी का खुद का ही स्टोर है और फ्रेंचाइजी माध्यम से हम सभी को दे भी रहे हैं। तो फार्मर से हम वो भी जो उनकी उपजाऊ हुई है, पैदाश हुई है, हम वहाँ से लेंगे, और वो भी क्या लेंगे, प्रीमियम प्राइस से हम लेते हैं उनके पास से, प्रीमियम प्राइस से लेंगे, तो फार्मर का भी अच्छा हुआ, किसान भाइयों का भी बहुत ही अच्छी तरह से हुआ, क्योंकि उनको प्राइसिंग जो प्रीमियम प्राइस मिल रही है। प्रधानमंत्री का एक विजन भी है कि दुगनी करनी है, दुगनी, हाँ इसका एक जरिया बन, दुगनी करनी है, ये जरिया यही है, क्योंकि देखो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो रहती है तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की प्राइसिंग थोड़ी सी जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट उससे थोड़ा सी ज्यादा होती है, लेकिन जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम खाएंगे तो हम पूरा हेल्दी ही रहेंगे, और इनऑर्गेनिक की वजह से आज जो समाज में जितने डायबिटिक, कैंसर, छोटा या मीन्स के बैक पेन वगैरह अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, इनकी वजह से ही ये प्रॉब्लम, खान पान की वजह से ही प्रॉब्लम है। तो यानी कि पहले हमने खाद बनाया, उसके बाद फार्मर से वो प्रोडक्ट हमने परचेस की, वो प्रोडक्ट हमारी शॉप में आई, हमारी शॉप से हमारे एसोसिएट थ्रू पूरे समाज में जाएगी, यानी कि ये हमारा इको साइकिल से, यानी कि पहले जमीन सुधारना करना है, उसके बाद वहाँ से जो उपजाऊ हुई है उसको उपजाऊ को हम लेके किसान को सही अच्छा दाम देना है, सही अच्छा दाम दे के वो हमारे शॉप में आएगी, शॉप में से जो हमारा है दाल है, चावल है, मिर्ची है, यानी कि धान्य पाक जो भी है, वेजिटेबल्स वगैरह है, वो हम समाज में, हमारी सोसाइटी में हम वितरित करेंगे, तो समाज भी स्वस्थ रहेगा,
और फार्मर भी स्वस्थ रहेगा, देश भी स्वच्छ रहेगा। यही हमारा जो इको साइकिल का जो प्रोग्राम है, ये हमारा बेनमून का इको साइकिल का प्रोग्राम है। मुझे एक बात बता रहा हूँ मैं, कहीं कहीं क्या होता है कि ऑर्गेनिक की तौर से फार्मर चला तो जाता है, लेकिन वहां उसको कहां उसको बेचना है वो उसको पता नहीं होता है, और सपोज वो पता चलता है तब तक उसका टाइम भी चला जाता है, तो वहां थोड़ा सा फार्मर है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इसीलिए ऑर्गेनिक में जाने के लिए इतना मीन्स के रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन अभी बेनमून ये माध्यम हो गया है कि उनके पास जो भी उपज होगी वो बेनमून के प्रीमियम प्राइस से परचेस कर लेगी। एक फार्मर को ये एक बहुत ही अच्छा उनको पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। और दूसरी चीज के जो बोलते हैं कि ऑर्गेनिक करने से ये उत्पादन कम होता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक करने से उत्पादन ज्यादा मिलता है, और उसमें भी एक है कि उसमें कीड़े आ गए वो आ गए तो उसको पेस्टिसाइड्स के अलावा कोई जरिया ही नहीं है। सब फार्मर बोलते हैं कि ऑर्गेनिक से पेस्टिसाइड जो कीड़े वगैरह रहते हैं वो मरते नहीं है, लेकिन बेनमून ने एक सॉल्यूशंस भी निकाला है उनके लिए, उनके लिए भी एक अच्छी सी एक प्रोडक्ट बनाई है बेनमून ने। वो प्रोडक्ट ऐसे बनाई है कि जो कोई भी प्रकार के इंसेक्ट रहते हैं उनको पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्ट करती है, तो जो वो पैरालाइज हो जाता है और उसके बाद इम्पोटेंस हो जाते हैं, तो इसलिए जो उसके जो इंसेक्ट को जो मल्टीप्लिकेशन है वो वहाँ कम हो जाता है और पैरालाइज हो जाता है, इसके लिए कि 3 दिन में वो जो भी इंसेक्ट है वो वहाँ से खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल, तो सर का जो पूरा एक विजन है, ये पूरी जो इको साइकिल है उसमें कहीं ना कहीं एक फार्मर की चिंता दिखने हमको मिलती है, क्योंकि सर भी एक किसान के बेटे हैं, और किसान का बेटा ही अगर नहीं सोचेगा फार्मर के लिए तो और कौन सोचेगा। तो ये पूरी इको साइकिल को फुलफिल करते हुए बेनमून ने पूरा एक विजन के साथ एक प्लान रखा हुआ है, नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक आपको दे दिया, आपको उत्पादन हुआ नहीं हुआ और आप अपने हिसाब से लड़ लिए, ऐसे नहीं। आपको प्रोडक्ट भी देते हैं, साथ में उसका ज्ञान भी देते हैं। प्रोडक्ट आपको खाद दिया, उसके बाद आपको उत्पादन हुआ तो उत्पादन कहाँ बेचना है उसके लिए भी पूरा एक चेन देते हैं, और उसके बाद अगर उत्पादन आपका जो है फार्मर का शॉपी में आ गया, और उसके बाद एक बहुत बड़ा चेन जो है वो एक मार्केटर्स का है, हमारे एसोसिएट मेंबर का है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो एक चक्र है, जो इको साइकिल है वो एक पूरी करता है बेनमून। हालांकि बेनमून का एक अपना ऑर्गेनिक फार्म भी हम आगे आपको दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें दिखाएंगे। मैं मैम से एक अभी थोड़ी देर में हम विदा लेंगे सर से और मैम से, छोटा सा मैम एक आपके तरफ से जो इंस्पायरिंग मैसेज है वो आप दे दीजिए। मैं तो बस यही चाहूँगी कि बेनमून ने जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है बेनमून न्यूज़ करके, ये बहुत ही लाभदायक है, और अगर आप सभी लोगों ने इस न्यूज़ चैनल को फॉलो किया, बेनमून न्यूज़ को समय से फॉलो किया, तो आई थिंक आपके पास बहुत जानकारी आने वाली है, बहुत नॉलेज आने वाला है, और हम जैसे मैंने पहले बताया कि बारीक से बारीक चीज़ों को हम आपके साथ खुल के डिस्कस करेंगे, और ट्रांसपेरेंसी ही रखना हमारा एक एम है आपके साथ। तो मैं तो यही कहूँगी देवशी जी के लोगों को हो सके उतना एडवांटेज लेना चाहिए इस माध्यम का, एंड रेस्ट जय बेनमून, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम और सर, आप हमारे साथ जुड़े। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हमारे कुछ एसोसिएट मेंबर्स जो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है उससे छोटी सी बात करेंगे, और उसके बाद जो है प्रोग्राम को हम पूर्ण कर रहे हैं। तो कहीं मत जाइएगा आप सब लोग, वहाँ पे भी बैठे रहिए, एक 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, और तब तक जो हमारी PCR टीम है वो कुछ हमारी प्रोग्राम की पिछले जो प्रोग्राम सक्सेसफुल हमने किए हैं उनकी कुछ झलकियाँ हैं वो आपको दिखाएंगी।
हमारा सपना है स्वस्थ भारत मिशन का, हमारा सपना है ऑर्गेनिक इंडिया का मूवमेंट का, हमारा सपना है और आर्थिक आजादी का हमारा सपना है। सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, देश के जितने भी ये लोग हैं उनका भविष्य अच्छा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए बेन मून ने एक शुरुआत कर दी है। और आज बेन मून ने, आज मैं कहने का गर्व होता है, बेन मून फाउंडेशन की आज से शुरुआत हो चुकी है मित्रों। लिंग आज विधिवत यहां से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का लॉन्चिंग हो रहा है। जी बिल्कुल, फिर से हम जुड़ गए हैं लाइव और हमने इसके आगे का जो पोर्शन था उसमें सेशन में सर और मैम से बहुत ही एकदम जानकारी ली, पूरी उपयोगी जानकारी ली। और अभी हम बात करते हैं हमारे जो एसोसिएट मेंबर है, आज ही यहाँ पे एक मीटिंग था, उन्होंने पूरा डे यहाँ पे बेन मून ऑफिस में गुजारा है और अपनी जो बात है वो रखी है और दिग्विजय जी और सब मैडम और सर से पूरा मार्गदर्शन लिया है। उनसे हम बात करेंगे कि ये बेन मून न्यूज हमने लॉन्च किया है उसके बारे में उसकी क्या राय है, आपका परिचय दे दीजिए। और हमने जो बेन मून न्यूज लॉन्च किया है ये हर हफ्ते शनिवार को शाम 6 बजे आप सबको देखने मिलेगा। आप, आपका सौभाग्य कि आप यहाँ पे आज है, अगर नहीं होते तो आप देख भी सकते उसको लाइव। क्या कहेंगे आप? मेरा तो इतना बड़ा कह सकता हूँ कि जो हमारा सौभाग्य कि हमें फीलिंग नहीं कर सकते कि हमारा जो अंदर जो उत्साह रहता है ना वो हम आज रोक नहीं पाते हैं कि हमारा वो जो आज लॉन्चिंग हुआ तो उसका हमें जिम्मेदार मतलब उसका जो मतलब क्या बोलते हैं कि बेनिफिट मिलेगा और कंपनी ने जो हमने प्लेटफॉर्म दिया है उसका हम उनको ऐसा कर ही नहीं सकते कि सबको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जो भी आए वो सब प्लेटफॉर्म ले सकता है, वो हेल्थ के लिए है कि कोई भी लिए, मतलब आप कंपनी ऐसा प्लेटफॉर्म लेके पूरे वर्ल्ड में जा रही है, मतलब मैं बिलिंग में नहीं कर सकता हूँ कि कितना बेनिफिट दे रही है कंपनी। जी बिल्कुल, तो उनके पास शब्द खुट रहे हैं क्योंकि इतना जो अच्छा प्लेटफॉर्म है उनसे वो डील कर रहे हैं। आप बताइए, आपका परिचय दे दीजिए और आप कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को? मेरा नाम जितेंद्र उंदाड़े, मैं सूरत से हूँ। जो भी ये फंक्शन होगा और जो हर बार होगा तो उसके काफ़ी सारा जो बेनिफिट्स भी मिलेगा, मतलब कम नहीं है, एसोसिएट से डायरेक्ट बातचीत कॉन्टेक्ट में भी रह सकती है और दूसरा कोई भी कोई बंदा होगा क्योंकि आज का जो जमाना है वो भी ऑनलाइन का वगैरह कुछ हो गया है तो उसके बेनिफिट्स वो भी मिलेगी क्योंकि कंपनी में जो भी फंक्शन वगैरह कुछ होगा या कुछ नया लॉन्च होगा या प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए या कहीं फ्यूचर में कोई वर्तमान में ऐसा कोई फंक्शन होने वाला है तो लोग आसानी से उसके साथ जुड़ सकते हैं और प्रचार भी कंपनी का भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जितेंद्र भाई ने एकदम सही तरीके से ये कांसेप्ट को समझा है और बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा एक क्रांतिकारी स्टेप है आपके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए है। आगे चलेंगे, सर आप कहां से हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम विजय सोनी है, मैं ऊना से आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो बेन मून ये न्यूज़ चैनल लॉन्च किया है तो हमारा सौभाग्य रहा है कि उस लॉन्चिंग में हम साथ में है, सबसे बड़ा सौभाग्य की बात ये है। और दूसरा, जो ये न्यूज़ चैनल लॉन्च किया है तो हमें जो भी न्यूज़ चाहिए तो हम सब कुछ ऑनलाइन भी देख सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं कि भाई कंपनी हमारी क्या कर रही है और किस तरफ के स्टेप ले रही है और दिन ब दिन जो आगे बढ़ती जा रही है कंपनी तो उसके साथ भी हमें और हमें भी कंपनी का फ़ायदा मिलेगा कि जिस तरह से कंपनी बढ़ रही है तो हमें भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और जो एजुकेशन की बात है, जो आज हमें यहाँ पे मीटिंग में आए तो आज यहाँ से भी हमें बहुत सारा सीखने को मिला है, मैं बस यही कहना चाहूँगा। मैं जी बिल्कुल, तो लोग जो है वो यहाँ से सीखेंगे और इसी उद्देश्य के लिए ये जो बेन मून का चैनल है, जो न्यूज शो है, उसको शुरू किया गया है। अल्पेश भाई है मेरे साथ, ये हम जो फंक्शन करते हैं उसमें बहुत सारा इनका एक बैकबोन का काम रहता है, पूरा स्टेज मैनेजमेंट का। अल्पेश भाई क्या कहेंगे आप? सर थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं अभिनंदन देना चाहूँगा हमारे CMD साहब को कि इतना बड़ा मौका हमको दिया है और ये न्यूज चैनल की जिस आज शुरुआत की है। दूसरा कि इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो हमारी संस्कृति है जिसको लोग भूल चुके हैं, जो आयुर्वेद है उसको जागरूक करेंगे, दूसरा कि लोगों तक हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, दूसरा कि जो एसोसिएट लोग हैं वो जल्दी से हर एक एसोसिएट जो है वो कनेक्टेड होंगे कंपनी से और कंपनी का एक एक मैसेज है वो लोगों तक
तुरंत पहुंचेगा। दूसरा कि आज क्या है कि टेक्नोलॉजी का समय है तो लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा अपडेट रहते हैं, किसी को अगर सीडी देंगे तो नहीं देखेंगे, लेकिन इस न्यूज के माध्यम से कहीं सारे लोगों के घर तक ये मैसेज पहुंचेगा। और जब भी इस न्यूज में कोई प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होगी तो ऐसे कहीं सारे जो पेशेंट है जो घर पे बैठे हुए हैं उसका भी इसको फायदा मिल सकेगा। जी बिल्कुल, तो अल्पेश भाई ने बहुत ही अच्छी बात की कि हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, हम यहाँ पे आयुर्वेदा का भी नॉलेज देंगे, ऑर्गेनिक का भी नॉलेज देंगे, क्यों आपको अपनाना चाहिए वो भी नॉलेज देंगे। तो बहुत सारे नॉलेज को हम यहाँ से शेयर करेंगे और इसीलिए ये शो रखा गया है। मैम जुड़ी है हमारे साथ, मैम आपका परिचय दीजिए और आप इस शो को कैसे देखती है। मेरा नाम जया रावल है, मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ। सबसे पहले तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज बैन मून इतने बड़े कदम रखने जा रहा है सोशल मीडिया पे लाइव, वो भी उसमें हम यहाँ पे उपस्थित है और हम भी इसका एक हिस्सा बने। इससे क्या होगा कि बैन मून के जो एसोसिएट है उनको तो फायदा होगा ही, प्लस जो नए लोग हैं और जो इनसे कोई कुछ भी इनका लेना देना नहीं है, फिर भी अगर सोशल मीडिया पे लोग होते ही है तो उससे इनको इतना सारा फायदा मिलेगा। जो हमारे आयुर्वेदा है, बैन मून का जो मोटो है कि हेल्थी एंड वेल्थी इंडिया मिशन, उसमें भी वो लोग जुड़ेंगे और इंडिया को हेल्थी बनाने में उनका भी एक सहयोग रहेगा। हाँ, इंडिया को हेल्थी बनाने के लिए ही हमारा पूरा ये शो है। राजू भाई आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम राजू रावल है, मैं अहमदाबाद गुजरात से ही हूँ। मैं थैंक यू पहले कहना चाहूँगा सीएमडी साहब दिनेश काचा साहब को और रिया मैम को, सीईओ को, आज हमारे को इतना बड़ा एक तोहफा दिया है लाइव हमारे को रख के और ये लाइव चैनल को, क्योंकि आज इंडिया के अंदर दो ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी चल रही है, बढ़ती हुई बीमारी और बढ़ती हुई महंगाई। तो हम इन दोनों का रास्ता हमारे सीएमडी साहब लेके आए, इसलिए मैं बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद कहना चाहूँगा सीएमडी साहब को, क्योंकि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम है ऑनलाइन। हाँ, तो राजू भाई ने इसी प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से सराहा है। और भी एक मेंबर हमारे साथ है, सर आपका परिचय दे दिए। और ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है सही महीनों में इसका एक जो एसोसिएट मेंबर है जो कहीं दूर बैठा है उनको क्या बेनिफिट हो सकता है? मायसेल्फ महेश पटेल, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। स्पेशल आज के स्पेशल डेज के लिए मैं स्पेशली सीएमडी सर, डॉक्टर साहब प्लस हमारे सीईओ रिया मैम के लिए स्पेशली मैं थैंक्स कहूँगा, जो आज इतना बेहतरीन बैन मून न्यूज़ के रिगार्डिंग जो हमको आज लाइव आज हम हो रहे हैं। तो आज जो बैन मून का मिशन है, स्वच्छ भारत हेल्थी इंडिया का मिशन है, तो वो मिशन से आज ये न्यूज़ चैनल से मेरी ओर से एक स्पेशल वो है कि हर एक आम एसोसिएट या आम आदमी हमारा न्यूज़ देख के बैन मून के साथ जुड़ भी सकते हैं। और जो बैन मून का स्पेशल जो है कि स्वच्छ भारत मिशन लेके चलिए, वो उसके साथ हम 100% बैन मून का स्वच्छ भारत का मिशन पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, तो कंपनी के सीएमडी सर हो, सीईओ मैम हो, एसोसिएट मेंबर हो, सबका एक ही विजन है कि हमें स्वस्थ भारत बनाना है, हेल्दी इंडिया बनाना है, वेल्दी इंडिया बनाना है। तो दोस्तों आप जितने भी लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक के, अभी कभी शो को शेयर करें, आपको इसकी लिंक भी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और मेरा सबसे अनुरोध है कि बैन मून आयुर्वेदा हमारा फेसबुक पेज है और बैन मून आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल है, उनको सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, ताकि जैसे ही हर सैटरडे ये शो शुरू हो 6 बजे आपको तुरंत ही उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बैन मून का ये नया कदम आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, और मेल करके या फिर विशाल भाई या मैम को व्हाट्सएप करके भी आप बता सकते हैं। दोस्तों आज के इस शो में से अब आपसे विदा लेने का समय हो चुका है, लेकिन मुझे पक्की ऐसी है, नक्की है कि आप नेक्स्ट जो शो है वो जरूर देखेंगे और इससे ही आप जुड़े रहेंगे। आप चाहे मीटिंग में नहीं पहुंच पाते हैं तो इससे इसको भी आप यूज कर सकते हैं कि इसमें से पूरी जो जानकारी है वो आप ले सकते हैं और हमारे सर और मैम से आप रूबरू हो सकते हैं। आगे जाके हम इसमें एक फीचर हमारा डिस्कशन का भी है, यानी जहाँ भी आप मीटिंग करना चाहते हो या फिर आप कहीं 1-to-1 बात करना चाहते हैं, तो हम इसमें इसी शो में लाइव आपको जोड़ेंगे, आपके समूह को जोड़ेंगे, आपके ग्रुप को जोड़ेंगे और सबसे इंटरेक्शन करवाएंगे, ताकि आप जो है वो पूरी जानकारी कंपनी की ओर से ले सके। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले शनिवार शाम 6 बजे मत भूलिएगा, और शाम 6 बजे से सब लोग लाइव फेसबुक और यूट्यूब पे देखेंगे बैन मून न्यूज। जय बैन मून।